हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। आज की हमारी रेसिपी है दीपावली स्पेशल। आपने काजू कतली, पिस्ता कतली तो बहुत बार खाई होगी, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीनट से बनने वाली ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, यानी कि पीनट्स कतली। और ये मिठाई को खाकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मूंगफली से बनी हुई ये मिठाई खा रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि आप काजू कतली खा रहे हैं। तो आपके त्योहारों की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ा देगी ये मिठाई। महंगी महंगी मिठाइयाँ भी आपको इसके आगे फीकी लगेंगी। तो पूरी रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कुक टच हिंदी और मैं सविता अपने इस चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पीनट्स कतली बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली। तो ये हमने कच्ची वाली मूंगफली ली है इधर, तो आपको कच्ची वाली मूंगफली ही लेनी है, यानी कि रॉ पीनट्स ही लेने हैं आपको, कोई भी आप रोस्टेड या फिर नमक वाले ना लें। मूंगफली के जो भी ख़राब दाने रहते हैं ना, उनको आप निकाल दें इसमें से। इसको हमने रोस्ट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए आप इसे रोस्ट करें। इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें, हमें सिर्फ इसे रोस्ट करना है हल्का सा। ये देखिए छिलका निकल जाए तो समझ लीजिए रोस्ट हो गई हैं, और इन्हें निकाल लें आप। तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं, ये रोस्ट हो गई हैं अच्छे से अभी। ये देखिए छिलका बहुत ही आसानी से निकल रहा है मूंगफली का, तो इसी तरह से हमने छिलके देखिए निकाल लेने हैं। तो इसे छिलके से अलग कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने छिलके से अलग कर लेना है, इसे हल्की सी फूंक मार के आप इसे साफ कर सकते हैं हाथ में लेके। तो देखिए मूंगफली हमारी साफ हो गई है अच्छे से, तो इसे पीस लेते हैं। और इसे पीसने के लिए मैंने लिया है इधर ठंडा दूध, आप चाहे तो पानी भी ले सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो दूध भी ले सकते हैं और पानी भी ले सकते हैं। तो इसे हमने पीस लेना है, एक गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है इसका। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपको बना करके तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना गाढ़ा हमने ये पीस लेना है सारी मूंगफली को। चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं आप। तो इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और इसमें मैंने तेल या घी कुछ भी नहीं डाला है अभी। तो इसे मैं 2 मिनट के लिए इसी तरह से पका लिया है मैंने। अब बारी आती है इसमें चीनी डालने की। तो जितनी हमने मूंगफली ली है उसकी आधी हमने इसमें चीनी डाली है, यानी कि आप अगर 1 कटोरी मूँगफली ले रहे हैं तो आपको आधी कटोरी उसमें चीनी डालनी है। और अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं इसमें। तो इसे डाल करके हमने अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, ये देखिए। हमने इसे करीब 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है ये, और इसने पैन भी छोड़ दिया है। तो एक बार मैं चेक कर लूँगी, मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था इसे थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरह से आपको चेक करना है, इस तरह से डो फॉर्म में आ गया है ये। तो इसका मतलब हमारी मिठाई का जो हमने पेस्ट बनाया है वो तैयार हो गया है अभी। तो इसे हमने 5 मिनट के लिए और कुक करना है चेक करने के बाद, ताकि अच्छे से जम सके हमारी मिठाई। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गई हैं और ये अच्छे से डो के फॉर्म में आ गई है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, हल्का हल्का सा ये गर्म है। तो इसी स्टेज पे हमें इसे मैश करना है, किसी मैशर से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके पास इस तरीके का कोई गिलास है तो फ्लैट गिलास लेना है आपको, नीचे से तला उसका फ्लैट होना चाहिए, तो उससे भी कर सकते हैं। ज़्यादा देर के लिए मैश नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ही हमें मैश करना है इसे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मैश क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने इसे पीस लिया है अच्छे से। मैश हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कोई भी दाना रहेगा या फिर कोई भी गुठली रहेगी ना, तो वो भी अच्छे से इसमें मैश हो जाएगी, इसलिए इसे मैश करना ज़रूरी है। तो इसे थोड़ी देर के लिए मैश कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मिठाई का डो बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इसमें घी डाला है, क्योंकि मूंगफली अपना तेल छोड़ती है, ये देख सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, 2 छोटे चम्मच आप इसमें घी का यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, उससे भी इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इधर मैंने एक बटर पेपर लिया है, इस पर मैं घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी बटर कुछ भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा लगाएंगे, क्योंकि हमने जो डो बना के रखा है वो इसमें हल्का सा चिपके ना, इसलिए हम घी का यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को
काजू से भी बना सकते हैं। अगर आप मूंगफली से नहीं बनाना चाहते तो आप काजू से भी बना सकते हैं। सेम मेथड से आपको बनाना है, बस आपको काजू को रोस्ट नहीं करना है, मूंगफली को हमें रोस्ट करना रहता है क्योंकि मूंगफली का हल्का सा कच्चापन निकल जाए इसलिए हम मूंगफली को रोस्ट करते हैं। पर आपको काजू को रोस्ट नहीं करना है, आपको काजू को डायरेक्टली इसी तरह से वॉश कर लेना है पहले अच्छे से, ताकि उसकी जो भी डस्ट और गंदगी रहती है उसमें वो अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद आपको काजू का पेस्ट बना लेना है मिक्सर जार में, जैसे हमने मूंगफली का बनाया था। तो आप उसे पीसने के लिए हल्का सा ठंडा पानी ले सकते हैं या फिर दूध भी ले सकते हैं। और आपने देखा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी थी, वैसी ही रखनी है आपको काजू के पेस्ट की भी। तो आप इस तरीके से काजू की भी बर्फी बना सकते हैं सेम मेथड से। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी रखी है मैंने, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मोटी पतली जैसी आपको रखनी है। तो इस पर हम लगा देंगे चांदी वर्क, मैं इसे बिल्कुल काजू कतली का शेप दे रही हूँ। आप जैसे चाहें उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने लगा देना है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर हमारी रेसिपी आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई रेसिपी की वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो ये लीजिए हमारी दिवाली स्पेशल मिठाई बन करके हो गई है तैयार। तो इस दिवाली आप भी ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। अब देखिए दिवाली पे मेहमान तो आते ही हैं, आप उनके लिए इस मिठाई को बना सकते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने मूंगफली से इतनी बढ़िया मिठाई कैसे बनाई, बिल्कुल काजू कतली जैसी लग रही है ये। तो रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली।